रामनवमी का त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए रामनवमी का त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। कहा कि जुलूस का जो निर्धारित रूट है उसी रूट का प्रयोग करना है। साथ ही अभी कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट किया गया तो पोस्ट करने वालों के साथ साथ ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई किया जाएगा। कहा कि संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इस क्रम में बैठक में उपस्थित लोगों ने भी अपने विचार रखे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने का भरोसा दिया। तो उनकी समिति की बैठक जो है अनुमंडल स्तर पर आज की गई है और अनुमंडल स्तर के पांचों प्रखंड के सभी पदाधिकारी, हमारे शांति समिति के मेंबर और सभी प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को त्यौहार को बेहतर ढंग से मनाने के लिए जो गाइडलाइंस है उसे बताया भी गया। साथ ही सबको ये स्पष्ट कर दिया गया कि किसी तरह का भगदड़ करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो संवेदनशील स्थल है वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होगी, साथ में पुलिस बल के लोग जो है वहाँ पर भ्रमण करते रहेंगे, गश्ती दल के पदाधिकारी भी भ्रमण करते रहेंगे और डीजे।